लगा, पूरी ताकत लगा, जोर से और जोर से। इसके भाई को भी तुझ मारा, हाँ, माँ को मारा, बाप को मारा, सारे फैमिली को मार रहा, सामने क्या भी नहीं रहे। खजाना निकाले तेरा। हाँ, क्यों मार रहा फिर, वजह? ठीक है, तुझे बताता, झकड़ो उसके अंदर तेज से आग लगाओ। नहीं छोड़ते वैसा, बोलता कि नहीं बोलता, बोल बोलता कि नहीं, तो तोबा कर, जल्दी तोबा तोबा कर, बोल जोर से कर तोबा, तो क्या समझा तू? हाँ, बोल तो बोल तो। देखा किसकी ताकत बड़ी है, अल्लाह वालों की ताकत बड़ी रहती, किसकी ताकत बड़ी है, बोल जल्दी। हाँ, तोबा कर, जल्दी तोबा कर, मार मुंह पे हाथ मार, तोबा तोबा कर, मुंह पे हाथ मार के। ये आले रसूल औलाद अली रजी अल्लाह तआला का दर है कम बखत, यहां से अल्लाह की सुमाई उसने जान देता। जकड़ो उसको, नाला को और मार्ग निकालो उसको बाहर। चला बता, क्यों जादू करा इस पे, सुने आया क्या कुछ? जकड़ो उसको और तेजी के साथ में। हाँ, जकड़ो उसको और तेजी से। वो उधर से दूसरा फोन ला और उससे लगा उसको, सुमित को फोन। इस पे फोन आ रहे, क्यों जादू कर रहे थे इस पे, क्या मकसद था, क्या नाम है? नाम स्माइल। इस्माइल पर जादू क्यों कर रहे थे? कौन बोला जादू करो सो? इस्माइल के भाई को क्यों मारे जादू करके? लग रहा नहीं लग रहा। लगा, पूरी ताकत लगा, जोर से छोड़ते नहीं तुझे, नहीं छोड़ते। बोल रहा कि नहीं बोल रहा क्या? अभी सख्ती से लू पूरा। बदमाशी करा, क्या करा? बदमाशी करा, बदमाशी करा बोल के तूने इस पे जादू करा। हाँ, तो जादू करते टाइम क्या लग गया था इसका, कपड़ा, चप्पल, मट्टी, क्या लिया था? हाँ, जल्दी। और इसको किस चीज में मिला के खिलाया था तूने? खुद तेरे घर पे बुला के खिलाया, दुकान में खिलाया, होटल पे खिलाया, या किसी के जरिए खिलाया? कैसा खिला के करा सो? हाँ, से बोल, क्या लग गया था? कपड़े में क्या? कपड़े लग गया और खिलाया इसको? हाँ, डायरेक्ट जादू कर दिया। हाँ, शमशान से, कब्रस्तान से। हाँ, कपड़े जादू कहाँ से चलाया? शमशान से क्या, कब्रस्तान से, कपड़ों से? कपड़ों को कहाँ लिया गाड़ा, शमशान में, कब्रस्तान में? हाँ, बोल रहे, झकड़ो उसको अंदर से तेज के साथ में, आग लगाओ उसके अंदर से। कौन सा ड्रेस चुराया था, कलर क्या था ड्रेस का वो? हाँ, लाल, काला, पीला, सफेद, कौन सा ड्रेस था? उदा, उदा, हाँ, उदा, क्या था, शर्ट था, पैंट था? वेट। कितना टाइम हो रहा चुरा के तूने? 10 साल हो गए, हाँ, 10 साल हो गए। अब उसकी आखिरी मुद्दत चल रही थी क्या मारने की? हाँ, ए पीछे से ढकलना बे इधर। हाँ बता, जल्दी, छोड़ते नहीं तुझे, पूरा मार के भस्म कर दूंगा। हाँ, क्यों करा था, वजह? मेरे साथ ही जा रहा साला ये, आगे जा रहा बोल के करा था, तरक्की नहीं करना बोल नहीं के? कर, काहे में तरक्की कर रहा था, कौन से बिजनेस में? मेरे साथ ही रहता है। कौन से बिजनेस में, कौन से बिजनेस में? हाँ, मेरा बिजनेस ही चला गया। कौन सा बिजनेस है तेरा? मेरा लगा है, आगे जाना पड़ा साला। क्या क्या भाई, दलालों? काहे का दलाल है? महिलाओं का साला। अच्छा, नाम कौन से गांव में रहता? गांव में रहता हूँ, बाजू गांव में रहता हूँ, बाजू का छू। नाम क्या है? नाम घर के बाजू का छू। फिर कुछ तो नाम होगा, चुंचा है साला, चुंचा। नाम 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 उसका अजीज है। हाँ, अजीज। और कौन कौन मिले वाले साथ में? अम्मा है इसकी, अम्मा। क्या नाम? जयरा, जयरा। और होगा। अच्छा, इसके भाई को किसने मारे थे? दूसरे लोग आते थे, ये लोग आते जादू करके अभी 2-4 महीने पहले, कब मारे तो? कौन मारा, कौन मारा? हाँ,
कैसा हट ला के मारे उसके भाई को, कौन मारे वो, कौन मारे? जलाओ उस कुत्ते जैसे चुपा के नाला को और उत्ते दिखा छोड़ेंगे दहेज में आया तुझे छोड़ने को, हाँ झगड़ा उस कुत्ते जैसे। हाँ कौन है भाई को मारने वाले, कौन है? दूसरे लोग आए कि तुम इस लोग आते? हमेशा क्यों मारे थे भाई को, क्यों मारे थे भाई को, क्यों मारे? तो भाई को क्यों मारे? जलाओ उसको, जब तक मेरे सवाल जवाब नहीं दिखा ना आग लगाओ अंदर से तेज के साथ में। जरा ठहर ठहर ठहर, नहीं छोड़ते तुझे, जल्दी नाम बता, खिलाओ उसको तेज के साथ में। जेरा 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 करने लगे, क्यों कर रही थी? भाई को क्यों मारे उसके? मुनीच मारने लगे भाई को, क्यों मारे? वजह, वजह क्या? भाई को मारने की वजह गालियां दिया था उन्हें। हां गालियां दिया था, उस वास्ते बदला लेके मारे, गालियां दे तो बदला ले। ठीक है चलो उसको जकड़ा के रखो, ना आए गुजारो दस कैमरा लेके मेरे तरफ। ये जो मसला है इनका भाई, अचानक सडनली वो एक्सपायर हो गए थे, खाल हो गए 4-5 महीने पहले की बात है। उन्होंने मेरे पास नया, इनका दिल दिल के अंदर कुछ दर्द हो रहा था, दिल दिल पकड़ लिया, क्या हो रहा था रमिया? दिल में सो रहा था क्या? हाँ तुम कौन है इनके? बाजा। अच्छा दिल में दर्द हो रहा था, दिल में दर्द हो रहा था तो ठीक है, दिल में दर्द हो रहा था हॉस्पिटल बताए सब तरफ बताए लेकिन राहत नहीं मिल रही। बाद में मेरे पास में तो जो अमल चालू हुआ अल्लाह करम से, तो दिल का दर्द खत्म होगा पैरों पे चले गया, यानी कि दिल का दर्द राइट होगा खाली पैरों में दर्द हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा? फिर अमल करे, फिर मैंने तावीज़ दिया पैरों को बंधे, फिर जलाए करे, फिर पैरों का दर्द हट गया, फिर दिमाग के तरफ गया, फिर दिमाग के तरफ गया तो इनोवर अब देखो दिमाग के तरफ आया। और भाई का हमारे कस के इंतकाल होगा, अचानक अचानक इंतकाल होगा होगा, मैंने पकड़ के फिर अब पूरी दास्तान अब पूछा है मैंने 3 महीने के बाद में, वो भी अभी नहीं पूछा रहा था मैं, मगर उन्होंने बहुत सारा मेरे को फोर्स करे और पूछे कि कौन डाले बताओ बताओ बताओ, तो इसलिए मेरे को सडनली अब हाजिर करके बताना पड़ा। पहला महीना आया उन्होंने, दूसरा महीना आया, तीसरा महीना आया, 3 महीने तक अमल करे, 3 महीने तक अमल करने में अल्लाह ने उनको राहत भी दिया, फैज भी दिया, अल्लाह के फजलो करम से उनकी जिंदगी भी बची। वो तो मैं मेरी जबानी क्या बोलूँ, मैंने यहाँ प्रैक्टिकल में सब बातें पूछा दिया, अब कौन कर रहा क्या दुश्मनी थी वो भी सब पूछा दिया। और दूसरी बात मुद्दे की ये थी कि और भी बहुत सारे लोगों ने कराया था, उनका छोटा मोटे पैमाने पे था, बड़े पैमाने पे जिनका था उनके नाम ला के पूछा दिए सामने, क्यों मारे क्या मारे दुश्मनी भी बता दिए। मगर ये जो हरकतें करते लोग एक दूसरे के साथ में, तो बार बार मेरा यही कहना है कि तुम अपने हाथों से अपनी खबर खोद के ले रहे, तुमको भी तो मार पड़ेगी, तुम पर भी कभी आजाब नाजिल होगा ना, तुम ऐसे लोगों घर जादू टोने से जलेंगे, जाना लेंगे, जिंदगी लेंगे। वो इंसान ने क्या बिगाड़ था जादू टोने से, उसको भी मार दिए, क्या हुआ था उनको? हटाया था क्या इनके भाई को? छाती में दर्द दे रहा बोल के सुबह हॉस्पिटल के ऊपर और नाइट में अचानक हार्ट कुछ तो पकड़ेगा, छाती में दर्द हो रहा था, लेकर गए था, वो मुद्दत जो बनी थी उस हिसाब से मुद्दत ने उनको खत्म कर डाली। मगर ये तुम लोग जो करते हरकते गलत है, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और तुम अगर एक दूसरे पर जादू टोने करके से वक्त से पहले लोगों की जाना निकाल के ले लिए तो ये बात गलत है। ये बात तुम ये भी दिमाग के अंदर बिठा लो कि अल्लाह हर चीज पे कादिर है, लेकिन अल्लाह ने मौत से पहले 3 मौत रखे अले, हलाल एक मौत है, वक्त के हिसाब से मौत हो जाएगी तुम्हारी, एक्सपायर हो जाएगी उम्र होकर, और एक वक्त से पहले शहादत की मौत रखे लिए, और एक वक्त से पहले हराम मौत रखे लिए, जादू टोना सुसाइड करके मरना ये सब हराम मौतों में गया, और शहादत राहे फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में शहीद हो जाओ, तुमको शहादत का जाम नसीब फरमा देंगे, अल्लाह फरमा दिया, और शहादत का जाम जिसने नौश फरमाया उसको शहीद को मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, सूरह अल इमरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया, हम उसका रिस्क उसको बरोबर देते रहो चौथे आसमान पे, जिंदा है, जैसा तुम्हारे मुर्गियां परिंदे का दाने चरते वो जो भी उनका रिक्स उनको चरते उनको खाते उनको मिलता सब बयान कर दिया अल्लाह ने, पढ़े तो तुमको पता चलेगा। यानी कि तुम इल्म जानकर आमिल बनो, जाहिल मत बनो। तुम अगर बोलेंगे नहीं हम नहीं मानते, मौत तो अल्लाह के हाथ में है, बेशक अल्लाह के हाथ में हर चीज, अल्लाह के हाथ में हर चीज, अल्लाह के हुक्म के गुलाम है, मगर अल्लाह ने ही तो खुद स्टेप बाय स्टेप हर चीज को उसके सांचों में डालकर ढाल के निकाले वाला है ना। तुम जमीन में बीज फेंकेंगे तो वो बीज सड़ेगा गलेगा, फिर उसमें से कोम निकलेंगे, फिर 2 पत्ते फूटेंगे, फिर बड़ा झाड़ होगा, फिर उसको फल लगेंगे। ये भी तो अल्लाह ने निजाम, डायरेक्ट अल्लाह ने ऐसा थोड़ी लगा दिया कि लो डिश आ गया झाड़, लो डिश ये उग गया वो उग गया, चमत्कार हो के, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना, क्योंकि अल्लाह हर चीज को उसके तरीकों के हिसाब से वो कराता, अमल में लाता।
और ऐसा डायरेक्टली उसको वो नहीं करता कि डायरेक्ट झाड़ उग जाओ बीज डालते दूसरे दिन इतने झपका जब भी झाड़ बड़ा होता क्या नहीं, तो अल्लाह ने हर चीज की एक मुद्दत एक उसकी हर चीज को उसकी हद तक मुखम उसके हद तक उसको रखा है अल्लाह ने हर चीज को एक हद के दायरे के अंदर रखा है। ऐसा नहीं होगा सडनली कोई भी चीज अनसडनली जादू टोना भी तुमको क्या बोलते तो मार देता हूं, मगर उसको बचाने उससे उससे महफूज रहने के लिए अल्लाह का कलाम तुम्हारी हिफाजत करता। जादू से बीमारियां लगा देते, शैताना लगा देते, घर बर्बाद कर देते, बच्चों के शादियां नहीं होने देते, शादियां होने के बाद तलाक करा देते, बच्चे पैदा नहीं होने देते, कमी धमी की बरकतें उड़ा देते, इंसान को बावरान कर देते, पागल कर देते, मेंटल कर देते, बीमारियां डाल देते। तुम नींद में सो रहे तो तुम्हारे घर के अंदर नींद में तुम्हारे गोदड़ों में ब्लैंकेटों में घुस के शैताना हमला करके बाहर निकल जाते और तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हारी सिक्योरिटी तुम्हारे ये गाड़ा पीड़ा सब गेट पे ही धरे के धरे रह जाते, इधर से इधर हमला करके निकल जाते तुम्हारे। ये तुम्हारे दीवारा ये छत ये कोई चीज जिन्ना शैतान चुड़ैल भूत और जादू टोने के वार को रोक नहीं सकती। जो रोक सकता वो है अल्लाह का कलाम। तुम अगर हक पे है तो फिर अल्लाह का कलाम तुम्हारी हिफाजत करेगा और तुमको बरोबर रोकेगा बचेगा महफूज करेगा। और तुम ना हक लोगों के घर गर्म पानी से चलेंगे और बाद में बोलिए नहीं मैं कुरान पढ़ के बच जाऊंगा, नहीं मैं हदीस पढ़ के बच जाऊंगा, तो अरे अकल के अंधे कैसा बचेगा, कौन तुझे बचेगा? अल्लाह और उसका रसूल ने तो तेरे पे फरमान दे दिए कि तूने शरीयत को लांद दिया तुझे तू गर्क हो जाएगा और हलाक हो जाएगा। बल्कि जब शरीयत ने तेरे पे फैसला दे दी तो गर्क होगा और हलाक होगा, फिर कौन बचेगा? नहीं बचा सकते ना, तो कोई जिन्नात ने बचा सकता, फिर कोई शैतान ने बचा सकता, कोई बुजुर्गान दीन ने बचा सकता। और सैयदों का अदब करो एहतराम करो वाजिब है तुम्हारे ऊपर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरे बच्चों से बुग्ज रखेंगे तो हश्र के दिन मेरे से शफात की उम्मीद मत रखना। सरकार ने फरमा दिए कहाँ जाएंगे शफात को, हाँ सैयदों पे क्या बोलते तो बुरे हरकतें बातें वो जो भी कर रहे तुम, या सैयदों पे भी जादू चला है गुस्सारों ने मेरे सामने ही दास्तान है, तो तुम बचने वाले तो नहीं है। फिर एक मिनट में यूं हटा दूंगा मैं पानी पे के बुलबुले के जैसा, मगर तुम्हारा क्या आलम होगा? तुम्हारा मौत मांगेंगे तो मौत नहीं मिलेगी, गिड़गिड़ाते हुए फिरेंगे तो ऐसा आलम कर देते। सब बलाएं जिन्नाता शैताना चुड़ैला तक सैयदों का अदब और एहतराम करते, क्योंकि उनको मालूम है कि बुलेट लाइन किसकी है, उनके शरीर में जो खून दौड़ता वो किसका खून है, खून का अदब करना है तुम्हारा। और तुम जाहिल अगर बनेंगे जानकर भी अनजान अगर बन जाएंगे कि जानकर भी अनजाना बन रहा तो फिर खबर के अंदर भी नहीं दुनिया में भुगतना पड़ेगा बेटे, यहाँ सड़ा सड़ा के मार के वहां लिख देंगे खबर के अंदर, और फिर वहां से तो आजाब स्टार्ट हो जाएगा, सारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, पूरे बच्चे तुम्हारे बर्बाद हो जाएंगे, रोड़ों पे आके कटोरे लेके भीख मांगेंगे, माँ बाप के अमाल बच्चे भुगतते रोड़ों पे आके। तो ये सब बातों का ख्याल रखो तो तुम, और तुम वली अल्लाह हो और बुजुर्गान दीन के पास क्या शक्ल लेके जाएंगे, क्या मुंह लेके जाएंगे? सैयदों को बुरा बोलते हैं दरगाहों पे जाएंगे, किसका खून है सैयद? बच्चे सब एक ही है ना बाप दादा पूरे सकी, और डुप्लीकेटों का जो दास्तान रहती है डुप्लीकेट नाम लगा के चलते नहीं ज्यादा दिन, उनकी नस्लों को गर्क कर देता अल्लाह, और ओरिजिनल हलाल है, हलाल को में बरकत रखा अल्लाह ने, और डुप्लीकेट जो नाम लगा कर चलेंगे तो उनको तो हराम का जैसा कहता हराम को मिटा देता तो उनको मिटा देगा। मिसाल दू क्या? मिसाल ये है कि डुक्कर 8-9 बच्चे जनता और डुक्कर नहीं, और कुत्ती 7-8 बच्चे जनती, और बकरी सिर्फ 2 बच्चे जनती। कुत्ती और डुक्कर के बच्चे तुम आपको करोड़ों की तादाद में नाक कटते हुए उनको कोई खाता भी नहीं तो भी वो देखने को रोड पे मिलते नहीं, और बकरी में बरकत रखा अल्लाह ने तो 2 बच्चे जिनके करोड़ों अब्जों की तादाद में कटके भी जैसी की वैसी नस्ल बरकरार रखी, ये हलाल है। और हराम 9 और 8 बच्चे जिनके डुक्कर और कुत्ती उनकी नस्ल तुम्हारे रोड़ों पे देखने को भी नहीं मिलती, जबकि उनको कोई काटता भी नहीं और कोई बकरी की तादाद में उनको काट के खाता भी नहीं, क्योंकि ये हराम है, हराम में बरकत नहीं है। 9-10 जन के भी बरकत नहीं है, वो देखो 2 जन के कितनी बरकत है उसमें, करोड़ों अब्जों की तादाद में कट भी जाते बेइंतिया बेगिनती फिर भी जैसी की वैसी नस्ल बरकरार है, वो हलाल है। और ये हराम है, हराम में और हलाल में फर्क रहता, और कोई डुप्लीकेट नाम भी आगे लगा के सैयदों का चलने की कोशिश करा तो उसको तो फिर अल्लाह वैसा ही डुक्कर को कुत्ते को वैसा हलाक कर देता, वैसा उनको हलाक कर देता, उनकी भी पूरी नस्लें बर्बाद हो जाती। क्या बयान करूं, क्योंकि हराम हराम में बरकत नहीं, और हलाल ओरिजिनल जो नस्ल है ओरिजिनल जो खून है वो छुपता नहीं और डुप्लीकेट चलता नहीं। ये सब बातों पे अल्लाह तुमको सबसे ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। बहुत अदब करना है, बहुत अदब करना है सैयद होगा तुम्हारे को, ये वाजिब है, क्योंकि तुम अदब नहीं करेंगे तो किसका कुछ नहीं जाता, तुम अपने दीन की राह से फिर गए, फिर फिरा देते तुम्हारा शैताना जिन्नाता ये सब मिलके। तुम अगर बुरा बोल दिए तो तुम्हारी जबान को तुम्हारी नस्ल को तुम सबको वबा में घेर लेता अल्लाह आजाब में, और जादू टोना हट जाएगा बेटे, शैताना जिन्नाता भी हट जाएंगे, मगर आजाब इलाही को कोई नहीं हटा सकता। फिर जाओ फिरौन पर आजाब आया तो कोई पैगंबर कोई अल्लाह का वली या अल्लाह का कलीमतुल्लाह मूसा कोई नहीं बचा सके उसको, जब घर खो रहा था तुम तो।
बचा सके क्या? 9 बार मौके दिया अल्लाह ने बचने के, आजाब से खुद अल्लाह देता, फिर जब आजाब से डालता खुद अल्लाह ही निकालता, फिर खुद अल्लाह ही डालता तुम्हारा, निकालिया क्यों आजाब से? तुम क्या बहुत नेक है क्या? आजाब आया तुम पे इस वास्ते तुम गुनहगार हो? बल्कि अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे, और ऐसी हरकत एक दूसरे के ऊपर जादू टोने करना नहीं, क्या बातें नहीं बताऊं मैं तुम्हारे, और क्या राज नहीं है, बहुत सारे दास्तान है। और तुम एक बात याद रखना, इबादत के रस्सी को मजबूती से थामना, और अल्लाह को बोलना कि हमारे दिल के अंदर जो हसद और जलन है, जो कीना और कपट है, इसको बाहर निकाल के फेंक दे मालिक, ये दिल और नफ्स तुम्हारी से पाक हो जाएंगी कीना कपट और हसद और जलन से, तो यकीनन फिर तुम जन्नत के हकदार बन गए, तुम आबे शफा, तुम्हारा को हौज कौसर का जाम अता होगा, हशर के दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात अता होंगी तुम्हारा, यकीनन उसके हकदार बन गए तुम। और अगर गर्क हो गए, अगर हसद जलन में इसमें उसमें, क्योंकि तुम शैतान के साथी बन गए, फिर तुमको कोई बचा नहीं सकता, तुम और अल्लाह हशर के मैदान में आमने सामने रहेंगे, और तुम देखेंगे फिर अल्लाह का जलाल करना, तो हम जहन्नुम में मुंह के बल घसीटता वाले जाके फेंक देंगे, और तुम हमेशा के वास्ते जहन्नुम का ईंधन बन जाएंगे। इसलिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर किसी को मैं ये बोलता हूँ कि दुआ मोमिन का हथियार है, मुसलमानों भी पढ़ो, हिंदुओं भी पढ़ो, सिख भी पढ़ो, हर कोई पढ़ो, सबके लिए अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बना के भेजा, तुम पढ़ेंगे तो तुम महफूज रहेंगे, जो ना मांगे सिख वो दर दर मांगे भी। चलो कौन से कर्नाटक आदिलाबाद अली दर। खैर जो भी दास्तान है जादू टोने बहुत सारे बढ़ गए, इबादत तुम करो, और वली अल्लाह और बुजुर्गान दीन के दामनों को मजबूती से थामो तो महफूज रहेंगे बेटा, नहीं तो किसी का कुछ नहीं जाता, गर्व हो जाना पड़ता। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा सब लोगों को कि इबादत करो ज्यादा से ज्यादा, तुम्हारी इबादत तुमको ढाल बन के बचाती है, और तुम हक पे रहा करो, तुम मनमानियां करेंगे एक दूसरे को जादू टोने कोई तुम्हारा नहीं बचा सकेगा। मैं क्या बोलूं तुम लोगों को, मैं बोलने को तुम्हारे अल्फाज नहीं मिलते, ऐसी कैसी दुनिया बेगैरत हो गई, ऐसे कैसे लोग बेगैरत हो गए, क्या वो ऐसा ही जरूरी नहीं है कि लोग इस जमाने में बेगैरत हो गए, हर दौर में लोग वैसे थे। खलीलुल्लाह को आग में कौन फेंक रहा था? इंसान आस्ते जानवरों ने तो नहीं फेंका था, खाली दुनिया में एक ही चल्ला बोलने वाला बंदा था इब्राहिम खलीलुल्लाह, जब आग में डाले तो अल्लाह ने कैसा हुक्म दिया कि आग ठंडी हो जा मेरे इब्राहिम के ऊपर, फिर कुछ बिगाड़ सकी? मूसा अलैहिस्सलाम को कौन जुलूम दे रहा था उधर से? तो वो इंसान आस्ते ना, इमाम हसन और हुसैन को, इमाम हुसैन को करबला के अंदर कौन शहीद करे? हसन को जहर दे के कौन शहीद करे? हुसैन को करबला में बुला के कौन शहीद करे? इंसान आस्ते ना सामने से, वही मुसलमान आज बोल रहे थे अपने आप को कुरान पढ़ने वाले, और बोल रहे कि यजीद शर्म नहीं आ रही उनको, हुसैन जल्दी नमाज पढ़ लो करते, हमारे को भी नमाज का टाइम हो रहा, और बोले तुम क्या बोल रहे, एक तो यजीद के हाथ पे भेज लेते क्या, बोलो अगर नहीं बोल रहे तो हमको जल्दी फैसला करना है, बोले और नमाज का टाइम हो रहा, अरे कहाँ कैसी नमाज तेरी को बोलूंगी, बोलना नालायक कमबख्तों शर्म करो, मैं क्या बोलूं, मेरे को तो अल्फाज नहीं मिलते बोलने के लिए। तो यकीनन जो जादू करते आज दुनिया में, जो परेशान करते एक दूसरे की नस्ल को, तो वो यजीदियां हैं, वो यजीद जी के साथ में जो फौज थी ना, जो फिरौन के साथ में जो फौज थी, जो मूसा को तकलीफ दिए उनकी भी तो नस्ल है दुनिया में, जो इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में फेंके थे उनकी भी नस्ल है दुनिया में, तो आज भी उन्होंने वही काम करते हैं, उनकी नस्ल आज भी उनके बच्चे अच्छे फिरौन के चाहने वालों में से सब उसमें से थे वो यकीनन। और दूसरी बात क्या बोलते, तो बार बार मैं सब लोगों को बोलता हूँ इबादत करो, इबादत की रस्सी को मजबूत सामान लगाने सुने सब अमल करने तो दे। चलो रोक दो।